पास होके बैठो ना, इतने दूर दूर क्यों बैठे हो? पास हो ना? सीन मत क्रिएट करो। सीन क्रिएट हो चुका है, मैं मजीद क्रिएट नहीं करना चाहता। मेरा मैंने तुम्हें नहीं कहा था कुछ करने के लिए। बेवकूफ ना मैं, शौक है मुझे कुल्हाड़ी पे पैर मारने का। देख रहे हैं क्या तुमको? एहसान कर रहा है मुझ पे, शुरू से यही करता है। एक मसले से निकालता है और फिर उससे बड़े मसले में फंसा देता है, और फिर लोगों के बीच में जाके डब्बे जैसी शक्ल बना के बैठ जाता है। सीधा अंदर चला जाता ना, लेकिन नहीं, साहब को एहसान जताना है। तुम्हारे और मेहराब के बीच क्या चल रहा है? नहीं, उसी से पूछें, उसी को शौक है बात का पतंगड़ बनाने का। तुमने कुछ किया होगा ना, तभी तो वोट कर गया है। अच्छा, तो मतलब उठ के वो जाए और कसूरवार मैं? मेरा बहुत शरीफ और तमीजदार लड़का है, ऐसे सबके बीच में से वो खामखा क्यों उठ कर जाएगा? अच्छा अम्मी, तो मतलब मैं बदतमीज हूँ? और मेराब जितना शरीफ है ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और कुछ कुछ तो उसके शराफत के नमूने वो समरीन भी आप लोगों को दिखा के गई है। वो जो भी हो, पुरानी बात थी, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, वो शादी कर रहा है, यही काफी है। अम्मी पुरानी बात नहीं थी, 2 दिन पहले की बात है ये। और अगर वो शादी कर रहा है ना, तो मुझ पर एहसान नहीं कर रहा है। मीराब के पास अगर कोई और ऑप्शन होता ना, तो उसके लिए भी मुझे छोड़ देता। ये मत भूलो, तुम्हारे अब्बा को हार्ट अटैक आ चुका है, बहुत बदनामी हो गई है हमारी अगर अब ये शादी। अम्मी पता है, सब पता है मुझे। उसी के साथ मैं शादी करूंगी, उसी के साथ मैं जिंदगी भर तक सड़ूंगी, कहीं नहीं जा रही अपने खानदान की इज्जत। मना करती थी अब्सार को, मत दो इतनी आजादी। ना जाने तुम्हारे दिमाग में क्या खन्नास चल रहा है। Hi guys, it's me Munir Bhatt. And this is me Ramsha Khan. And you are at the Urban Originals YouTube channel. Yeah. Do subscribe it for more videos.